मतलब ये अरिजीत सिंह क्या करना चाह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं संदीप मौर्य चैनल और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, अरिजीत सिंह जी के नए गाने ऊंची ऊंची दीवारों उसको रिव्यू करने आया हूँ। और इस गाने को रिव्यू करने से पहले मैं वही बात फिर से बता रहा हूँ, मैं जो भी रिव्यू करूंगा एज अ म्यूजिशियन सच्चा रिव्यू करूंगा, कोई फर्जी गुणगान गाथा नहीं है। इसलिए अगर आपको सच्ची बातें सुननी हो तो बने रहे वीडियो में, अगर आपको फर्जी रिव्यू देखना है तो अभी भी आप स्किप हो सकते हैं, पानी लेके एक ग्लास जरूर बैठे हैं। भले ही अरिजीत सिंह जी गाएं कोई भी गाएं, लेकिन मैं म्यूजिक के प्रति झूठ नहीं बोल सकता। और मैं इस गाने को रिव्यू कर रहा हूं और इस रिव्यू में एक चीज को मैं और बताना चाहूंगा कि आखिर ये अरिजीत सिंह जी क्या करना चाह रहे हैं, मतलब अरिजीत सिंह जी कैसे गाने गाते हैं, माने कि क्या बताऊं, ये एक मिस्ट्री बन चुके हैं। तो ज्यादा देर ना करते शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू। आइए हुजूर, चढ़ाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का शुरू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस गाने का नाम बता दो। इस गाने का नाम है ऊंची ऊंची दीवार और ये गाना आया यारियां 2 मूवी में और इसके सिंगर हैं अरिजीत सिंह जी और इसके म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर मनन भारद्वाज सर हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा म्यूजिक की। जब ये गाना शुरू होगा भिन्नी भिन्नी सी म्यूजिक आएगी और आपको कोरस पार्ट सुनाई देगा, इश्क इश्क है इश्क इश्क, बहुत खूबसूरत सा वो समा बांधेगा। और जो अरिजीत सिंह की कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं और जो इसकी हुक लाइन जब शुरू होती है ना, ऊंची ऊंची दीवारों को लांग के आना पड़ेगा, आप इस लाइन को फील कीजिए। मतलब बंदे ने जो फील इस गाने में डाल दिया है ना, वो कहते हैं ना कि अरिजीत सिंह एक सिंगर ही नहीं है, एक लोगों के इमोशन बन चुके हैं, पूरे इंडिया के एक इमोशन है। और अरिजीत सिंह के गाने और वो जो कहते हैं ना, घर वालों के ताने सीधा दिल पे लगते हैं, सेम वही काम अरिजीत सिंह ने किया है। मैं वही बोल रहा था कि मतलब ये एक अरिजीत सिंह जी हैं, ना जाने कितनों लोगों को रुला देते हैं, इनके गानों में वो फील आता है, वो कूट कूट के फील भर देते हैं ना गानों में, कि आप सीधे गाने से रिलेट कर सकते हैं। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ इस गाने की आपका दिल छू जाएगी। इसका अंतरा बहुत अच्छा है और जो साथ में जो एक बने साथ कंगन लेके आना, ये टाइप का है, आप सुनिएगा बहुत खूबसूरत लगेगा आपको ये गाना। और जिस तरीके से इसका म्यूज़िक कंपोज किया गया है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया गया, भीना भीना सा म्यूज़िक है और म्यूज़िक अरेंजमेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और मतलब ये गाना आपको कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा पता ही नहीं चलेगा और लगता है कि अभी छोटा गाना है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, माने कि आप फील में खो जाएंगे। मुझे लगता है जब कभी आप शाम को अकेले में बैठते हैं उस समय अगर इस गाने को सुनेंगे, कुछ अलग ही टाइप का रिलेट कर पाएंगे, आप खो जाएंगे। और अगर आपने किसी सच्चा प्यार किया होगा ना, अगर आप किसी को का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपको ये गाना कसम से रुला देगा। तो अरिजीत सिंह जी के बारे में मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, बाकी लिरिक्स इसके बहुत ही खूबसूरत हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं जो इसके एक्टर एक्ट्रेस है, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके एक्टर हैं मीज़ान और इसकी एक्ट्रेस हैं अनाश्वरा, जो कि मैं देख रहा हूँ। और अगर आप स्टोरी लाइनअप देखेंगे, एक दोस्ती की स्टोरी है जैसे यारियाँ 2 या प्यार भी कह सकते हो, तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से केमिस्ट्री दोनों की बहुत खूबसूरत है, आप देखिए कि जिस तरीके से मतलब अनाश्वरा जी व्हीलचेयर पे चल रही हैं, उस मीज़ान से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जहाँ जाते हैं लेके जाते हैं, साथ हमेशा उनके साथ रहते हैं एज अ फ्रेंड एज अ लवर, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, काफ़ी इमोशनल वीडियो भी है, आप खो जाएंगे। अगर आपने किसी सच्चा प्यार किया, दोस्ती की है, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर याद आएंगी। तो ओवरऑल ये था इस गाने का रिव्यू। आप लोग जाइए देखिए, इस गाने को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और माने कि मुझे लगता है बहुत जल्द ये ट्रेंडिंग में आने वाला है। और अभी आपको कौन कौन से गानों के रिव्यू गए हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय किसान, लव यू अलॉट।